आ रहा हूँ न्याय के दो पैरों से अन्याय के दस सर कुचलने, अधर्म का विध्वंस करने। ₹600 करोड़ के बजट से बनने वाली फिल्म आदि पुरुष, जिसका कि इसके मेकर्स ने एक न्यू पोस्टर रिलीज कर दिया है। इससे पहले इस फिल्म के मेकर्स ने राम नवमी वाले दिन पर इस फिल्म का राम दरबार का पोस्टर रिलीज कर दिया था, और आज के दिन इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म का हनुमान जी का एक बेहतरीन पोस्टर रिलीज कर दिया है। ओम राउत के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म आदि पुरुष, जो कि एक हिस्टोरिकल फिल्म है, जिसे इस साल 16 जून को इंडियन सिनेमा पर रिलीज किया जाना है। आपको बता दें, ये फिल्म इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है, जिसे 500 से 600 करोड़ रुपए में बनाया गया है। अब बात करें इस फिल्म के स्टार कास्ट की, तो इस फिल्म में प्रभास, कृति सैनन और सैफ अली खान देखने को मिलने वाले हैं। जैसे ही इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ, तो लोगों द्वारा इस फिल्म के टीजर को काफी ट्रोल भी किया गया, और इसके टीजर को देखकर तो यही लग रहा था कि ये फिल्म इतने बड़े बजट की नहीं है। मगर इस फिल्म के मेकर्स ने आज इस फिल्म का एक न्यू हनुमान जी का पोस्टर रिलीज कर दिया है, और इस पोस्टर को देखकर तो यही लग रहा है कि ये फिल्म काफी अच्छी होने वाली है। बात करें इस पोस्टर की, तो इस पोस्टर के कलर सैचुरेशन, ग्राफिक्स और बैकग्राउंड काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, जिसे देखकर तो यही लग रहा है ये फिल्म अपने रिलीज होते ही काफी ताबड़तोड़ कमाई करने वाली है। फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म का एक पोस्टर राम नवमी वाले दिन राम दरबार का रिलीज किया था, जो काफी अच्छा नहीं था, बट जो अभी पोस्टर रिलीज किया है, ये काफी बेहतरीन है और काफी अच्छा लग रहा है। आपको बता दें, इस फिल्म में हनुमान का रोल देवदत्त नागे निभा रहे हैं। आदि पुरुष फिल्म के मेकर्स ने अभी तक जितने भी पोस्टर रिलीज किए हैं, उनमें से ये वाला पोस्टर सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। अगर ऑडियंस ने इस फिल्म को पसंद किया, तो हो सकता है ये इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का कलेक्शन कर पाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।